सोनीपत में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां बेखौफ बदमाश आए दिन पेट्रोल पंपों को अपना निशाना बना रहे हैं। बेखौफ चार बदमाशों ने बीती रात हथियारों के बल पर बिंद्रोली गांव स्थित पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर करीब 60,000 की नकदी और मोबाइलों की लूट को अंजाम दिया। लूट की पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह बेखौफ बदमाश हाथों में पिस्तौल लिए लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन पेट्रोल पंप पर बेखौफ हो रही लूट की वारदातें पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते नजर आ रही हैं कि कैसे ये शातिर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कल रात को करीब 9 बजे चार लड़के ब्रेजा गाड़ी व्हाइट कलर में आए, दिल्ली नंबर था। जिन्होंने दो लड़कों ने पिस्तौल ले रखी थी और वहाँ से पेट्रोल पंप से कैश छीन लिया। उसके संबंध में सुरेश सुन्नौफ सुल्तान बिंद्रोली, जो तुशीर पेट्रोल पंप पर काम करता है, उसने अपनी एक लिखित दरखास्त दी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके दोषियों की तलाश जारी कर दी।